मंगेश यादव जो है वो महा गरीब आदमी है यार, इतना गरीब आदमी है, उसकी बहन रो रही, उसका बाप रो रहा, उसकी बहन वो सब रो रहे हैं घर परिवार के, तो मंगेश यादव कहाँ क्रिमिनल हुई गवा, कहाँ बदमाश बनी गवा, जबरदस्ती यार उनका घर से उठवा ली नहीं है। उन पर 1 लाख का इनाम सरकार ने रखा था, किसके ऊपर? मंगेश यादव के ऊपर, यार अपराधी थे। छपरा और झोपड़ी देखो उनकी औकात है कि 1 लाख वाली इनाम रखे वाली, मंगेश यादव रहे देखो उनका काउंटर रहा है कहूँ पर, यहाँ कहूँ पर नाम निशान ना है, बदमाश रहा है वो। मंगेश यादव को लेकर लोगों से बातचीत करेंगे, जब से मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ लोग कह रहे हैं कि उस जात देखकर उनका इनकाउंटर किया गया है, कि आखिर मंगेश यादव को लेकर लोग गांव में क्या कुछ कहना चाहेंगे ये बताइए। मंगेश यादव का जानते थे? मंगेश यादव हाँ बिल्कुल जानित रहे, उनका इनकाउंटर हुआ अखिलेश यादव के जात देखकर इनकाउंटर हुआ, तो सफेद भैया कहते हैं कि जात देख के यहाँ हिंदू और मुसलमान का दो क्या काउंटर हो रहा है, कहूँ पर और कोनी बिरादरी का काउंटर भा है और कहूँ कोई बिरादरी के काउंटर नहीं होते हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, हाँ का बाबा अपराधी नहीं है, बाबा अपराधी है कि नहीं है यू बताओ हमका। बाबा तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं है, 52 केस चल रहे हैं बाबा के ऊपर, सारे केस वापस ले लिए अब तो को मुख्यमंत्री जी ने, तो जब वो मुख्यमंत्री हैं तो उनके केस छुट्टी है तो है। तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब जात देख पर उनकी कार्रवाई की गई? हाँ जात देख के, यहाँ हिंदू मुसलमान के ऊपर खाली और कोई जात के ऊपर नहीं, ठाकुर पर नहीं होते हैं कुछ, पंडित के ऊपर कुछ नहीं होते हैं, अन्य जात पर कुछ नहीं हो रहा है, खाली हिंदू मुस्लिम के ऊपर बस। जांच नहीं की गई विकास दुबे पर, वो ब्राह्मण दीक्षित थे, समझ रहे हैं ना, बुली, बुली। तो अनकाउंटर इनकाउंटर कर दिया गाड़ी पलट के, ऐसा कभी इतिहास में या भगवान कभी देखा हो या अधिकारी ने किसी ने किया? अपने आप में सोचिएगा, या मीडिया प्रभारी हो या अधिकारी प्रभारी हो, ऐसा कभी इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में ना हुआ ना होने वाला है। पीछे भाई साहब ये बताइए, इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी चर्चित चीज चल रही वो मंगेश यादव का इनकाउंटर को लेकर, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया है कि जात देख पर उन पर कार्रवाई की गई है, क्या विचार अपने हैं? मंगेश यादव जो है वो महा गरीब आदमी है यार, इतना गरीब आदमी है, उसकी बहन रो रही, उसका बाप रो रहा, उसकी बहन वो सब रो रहे हैं घर परिवार के, तो मंगेश यादव कहाँ क्रिमिनल हुई गवा, कहाँ बदमाश बनी गवा, जबरदस्ती यार उनका घर से उठवा ली नहीं है। उन पर 1 लाख का इनाम सरकार ने रखा था, किसके ऊपर? मंगेश यादव के ऊपर, यार अपराधी थे। छपरा और झोपड़ी देखो उनकी औकात है कि 1 लाख वाली इनाम रखे वाली, ये तो कुछ कहा है दुनिया। 50,000 था लेकिन 2 दिन के बाद बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया, और वो 2 दिन पहले 50,000 एड किया गया। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है वो नहीं, देखिए कि 1-2 मुकदमे थे, अब अगर ईमानदारी से बात का हाँ बात करी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है कि उसके मुकदमे थे, अपराध उसने मान लीजिए पहले किया हो, लेकिन उसका जो इनकाउंटर है वो ये बता रहा है कि सबसे बड़ा अपराध जो है अब योगी सरकार कर रही है, क्योंकि उसमें जो 5-6 लोग और इन्वॉल्व थे उनपे 35-36 मुकदमे थे, लेकिन अब ये है कि वो लोग जो है ठाकुर थे, तो अब ये मेन चीज है कि एक बंदा जिसके ऊपर मान के चलिए 1-2-3 जो भी मुकदमे हैं, लेकिन उसको उठाया जाता है घर से और उसके बाद उसका इनकाउंटर करके कहीं ना कहीं यादव समाज को जो है बदनाम करने के लिए किया गया है, तो ये उनसे इससे भी बड़ा अपराध हो गया, इसीलिए इतना ज़्यादा बैकफुट पर है, इसीलिए इतना ज़्यादा मीडिया जो है कवर कर रही है, और कहीं ना कहीं जो 2024 के नतीजे आए हैं वहाँ से योगी आदित्यनाथ के भी जो दिमाग है पूरी तरीके से एकदम बौखलाया हुआ है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अब हम कौन से मुद्दे में 2027 के चुनाव में जाएंगे। तो उस पर जो एक हेडलाइन चली थी कि वांटेड यादव को योगी ने उड़ाया, ठीक है, तो उनको पहले ही स्क्रिप्ट दे गई थी कि हम जो है ये सब जो है कांड करने जा रहे हैं, आप हमारा माहौल बनाने की कोशिश करिए, तो ये चीज निकल कर आ रही कि जब मीडिया अब या अखिलेश यादव के इन्वॉल्वमेंट के बाद जब मीडिया वहां पर गई तो सच्चाई ये दिख रही है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, पूरी तरीके से कहानी पहले लिखी गई कि इसको उठाना है। उनको न्याय मिल पाएगा? भैया के सरकार होते तो न्याय जरूर मिला थी, बाबा जी की सरकार में विश्वास मिली नहीं मिली, नहीं मिल पाया, नहीं भैया के सरकार होता न्याय मिलत, हाँ उनकी सरकार विश्वास नहीं है, नहीं तनखो नहीं सब लग रहा है उनको, जो जांच जो सौंपी गई विदेश सिंह को निष्पक्ष जांच के बात कही है, क्या उनको मतलब न्याय मिल पाएगा?
देखिए यही एक मामला नहीं, इससे पहले भी तमाम मामले हैं जो बहुत बड़े बड़े मामले हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनमें जब जांच कमेटी बिठाई गई है उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये है कि हो सकता है कि सरकार अपनी नाक बचाने के लिए कि थोड़ा बहुत मान ले कि हाँ जो है थोड़ा बहुत फर्जीवाड़ा हुआ, वरना जब ये इनको पहले से पता है कि इनको कहीं ना कहीं जब ऊपर से ही ऑर्डर है कि आप ऐसा काम करिए, मेरी इमेज बनाइए, तो आप बताइए जब हमने ही चोरी के हुक्म दिए हैं तो हम क्यों सजा सुनाएंगे। बिलडोजर जो है तो भैया बंद कर दिन है, अभी अभी भी डर नहीं बचा, मतलब जादू के अंदर डर नहीं आया कि बाबा का बिलडोजर चल रहा है, जब जो चाहे तब घर गिरवा दे आए, आवे आवे घर गिरवा दे, कोई गम नहीं है, कोई डर नहीं। हाँ पतौरा काट के यहाँ छपरा बना लिया भाई, फिर वो हम रहा भाई, पक्का गिरवा दे। अच्छा हाँ मतलब मगर पीछे कदम नहीं डालब, फिर डर नहीं बिल्कुल है, चाहे मर जाई। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों के अंदर थोड़ा दहशत बनाई गई है, दहशत बनी हुई बाबा की सरकार में, काहे दहशत है, कोई दहशत नहीं है, कोई डर नहीं है, नहीं तनको नहीं। हाँ। बहुत सारे यादव बीजेपी का झंडा डोरे, उनको दर्द नहीं होता कि हमारे भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। अरे वही मूर्ख हैं यार भैया, वही जो बीजेपी में है उनकी बातें न करो हमते। हाँ पेवर वाला यादव कोनो नहीं है। हाँ ये बहुत सारे यादव बीजेपी में साथ है, उन भैया जी के पास 5 रुपया हुआ नहीं है, वो कहते 500 रुपया दे आओ कि भैया ये झंडा लेके हुआ तो लगा दे चले, तो भैया ले जावे करी 500 की बजाय तुम 2000 दे रहे लुकाए कि भैया झंडा तुम लगाओ जो लगा, फोटो तुम्हारा खींचा जा रहा, फोटो या तो खींचा जा रहा कि झंडा लगा रहा या तो। नहीं मेरा सवाल ये है, हर जगह राजनीति हो रही, हमका ना पढ़ाई से पहले सुन लीजिए, मेरा सवाल ये है यादव का कहीं केवल दिखावा दिखावा जा रहा, कहीं कोई काम होगा यादव का आगे कह दो ये यादव आई यहाँ बड़ा दबंग है। अभी पंडित अभी हमको टेढ़ी पुलिया पे 5 दिन एक पंडित हमको मिला। मेरा सवाल बहुत सारे यादव बीजेपी का झंडा ढो रहे हैं, उन्हें दर्द नहीं होता कि हमारे समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। पैसे लुका सारे ने तो कार इनका डाल 2000 रुपया देने का है, कम है 5 मिनट खाते हैं तो इतना क्या वो पहुंच जाते, पता नहीं यादव आए कि ना आए जी। एक्सक्यूज मी, ये गवर्नमेंट इतनी गंदी हो चुकी है बाबा जी, ये इतने गंदी हो चुकी है जो भारत देश के उत्तर प्रदेश के मुजरिमों की रक्षा नहीं कर सकती। सबसे बड़ी सुनो, अपराध करने वाला तो अपराध करेगा, बेवकूफ था जो मुजरिम था उसकी रक्षा नहीं कर पा रही, इतनी बेवकूफ भी गवर्नमेंट बाबा जी हैं कि मुजरिम की रक्षा करो, पहले मुजरिम को लाओ वहां उसकी रक्षा करो, कैसे सबसे बड़ी गलती बाबा जी की ये मैं दे रहा हूँ। क्या गलती बाबा जी, क्या गलती की, कैसे मुजरिम को रक्षा लाओ, पहले एक एक जनता को दिखाओ ऐसा है मुजरिम है। हाँ। जैसे मनमोहन सिंह ने किया था कसाब को पकड़ के, उसको हाईलाइट किया था, कसाब ने फायरिंग की थी, कसाब को ताज होटल में पकड़ा गया था, उसको सामने उत्तर प्रदेश भारत वर्ष में जाहिर किया गया था, मगर ऐसा बाबा जी ने या मोदी जी ने कुछ नहीं किया। जितने मुजरिम पकड़े ऐसे कोई तरीका थोड़े, पूरी जनता को दिखाओ ये मतलब ये मुजरिम वाकिफ है, जनता उस पर वोटिंग करे कि हाँ ये मुजरिम है, ऐसी गलती की बाबा जी ने। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समझ जनता अपना फैसला सुना उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बाबा जी जनता से बने, जनता एक एक वोट देती, हिंदू नहीं देता, मुस्लिम नहीं देता, कि यादव नहीं देता, कि कोई सतियों जात उसको बाबा जी तो कह रहे कि मतलब जो